हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो लोग होते हैं जो दूसरों को आसानी से दबा लेते हैं, जो दूसरों के इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। वो लोग कौन से होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है या उनके भीतर क्या ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो लोग जो हैं दूसरों को इजीली दबा लेते हैं। देखिए, एक्चुअली जो ऐसे लोग होते हैं वो आपको देखे होंगे काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी बैलेंस होते हैं, वो जल्दी से किसी खुशी को लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आते, और या किसी दुख का वो ज़्यादा शौक नहीं मनाते। वो कभी, वो हमेशा आपको बैलेंस मिलेंगे, ठीक है। उनकी यही जब बैलेंस जो नेचर है अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, यही चीज़ जो होती है वो दूसरों पे भारी पड़ जाती है। अगर ऐसे लोगों का कोई नेगेटिव इमोशन है या नेगेटिव कोई बिलीफ सिस्टम है, तो वो उसे पकड़कर उस इमोशन को पकड़ कर वो दूसरों पर हाइपर हो सकते हैं, दूसरों को इजीली दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बैलेंस्ड का, उनका जो ये बैलेंस्ड वाला स्वभाव है ना, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत खुश होते हैं और दुख में बहुत दुखी होते हैं, तो यकीन माने अगर आप ऐसे लोगों के बीच में चले गए जो बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, जो ज़्यादा खुशी को में खुश नहीं होते और ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होते, ऐसे लोग पूरे के पूरे जो होते हैं बैलेंस होते हैं। इनको अगर पूरी ही फैमिली ऐसी हो तो ये जो लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक भी कहलाए जाते हैं। अगर इनके नेगेटिव इमोशन, इनको ये नेगेटिव इमोशन अगर पकड़ लें और इनकी यही बैलेंस वाली स्थिति नेगेटिव इमोशन को लेके, यकीन माने बहुत बुरा हाल कर देते हैं वो उस इंसान का जो कि ऐसा है, जो ज़्यादा खुशी में खुश होता है और जो दुखी होता है। ऐसे लोग बहुत परेशान कर दिए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। तो ये लोग स्पेशली ऐसे होते हैं, ये ज़्यादा ना, जो मैं आप सच्ची में टॉपिक से थोड़ा सा हट गई, ये इन लोगों की जो खासियत होती है वो ये होती है, ये ज़्यादा खुशी में खुश नहीं होते और ज़्यादा गम में ये गम नहीं मनाते। हाँ जी, ये फुल ऑन बैलेंस होते हैं और यही इनकी बैलेंसिंग दूसरों को तोड़ने का काम करती है। तो हमेशा बच के रहें ऐसे लोगों से, कोशिश करें कि खुद को भी बैलेंस बना के रखें। कभी भी ज़्यादा खुशी में खुश ना हो और ज़्यादा गम में आप गम मत मनाएं। बस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस।